अब हद से आगे बढ़ रही हैं और तुम तमाम हदें फैलांगना चाहती हो। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। बल्कि तुमने खुद ही कहा था कि अब खुशी और चांद को एक साथ रहना चाहिए। तुम्हें याद है, पर जरा जरा पर उसे मौका भी तो तुम ही दोगी ना। राबिया मुझे बाहर की जंग लड़ने दो, तुम्हारी बकवास में उलझ गया तो जंग के पैंतरे भूल जाऊंगा। आपके सीने में दिल की जगह एक कानून की किताब रखी है, वरना कम से कम आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज तो सुनाई देती। आपने मुझे कभी बताया ही नहीं कि चांद भाई आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, की जाती है। पिछले एक बरस के साथ ने मेरे अंदर चांद को छूने की ख्वाहिश पैदा कर दी थी, मगर अब मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं कि चांद मेरा नहीं हो सकता। मैं खुद गर्ज नहीं हूं, मैं यहां से चले जाना चाहती। मेरे भाई की मोहब्बत टुकड़ों में बढ़ चुकी है। हम सब चांद भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज पता चला कि वो किससे प्यार करते हैं। वो कौन है जिसे वो चाहते हैं? तो आप बहुत लकी हैं हुमायला जी। मैं अपनी किस्मत को बदकिस्मती में बदल दूंगी, मगर खुदगर्जी की छतरी के नीचे अपने प्यार को परवान नहीं चढ़ाऊंगी। ना तो मुझे कुछ डिस्टर्ब सी लग रही, और लगता है बेचैन भी हो। जाहिर है बेचैन लोगों के दरमियान जो रहती हूं, चैन आए भी तो कैसे। ये चांद के इजहार मोहब्बत ने मुझे भी हैरान कर दिया। ये हैरानी की नहीं परेशानी की बात है। ये लड़की हुमायला, इसके तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। लेकिन वो बेचारी तो यहां से जाना चाहती है। ये तो अरमान ने उसे मिन्नत समाजत करके रोकने पर मजबूर किया है। अरे छोड़ो, वो लड़की चलता फिरता एक ड्रामा है। अरमान भाई का उसे रोकना तो उसके लिए एक बहाना बन गया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़की कोई बड़ा मकसद लेकर यहां आई है। वो नवाब वहीदुल्ला के खानदान का नाम और मुकाम इस्तेमाल करना चाहती है। उसका इस घर में आना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा है। जैनब भाभी के ख्यालात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो, और मैं भी उनके मुंह से अपने बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूं। मैं तुम तो बुराई मान गए, चाय तो पीते जाओ। हम इतने निढाल हो गए कि हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम पार्टी ऑफिस जा सकें। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। वैसे खुशी भाभी को दाद देता हूं मैं, कल रात उनकी बर्दाश्त को मैंने बुलंदियों पे देखा। सबर के अलावा वो कर भी कह सकती है। वैसे चांद को भी कुछ एहसास नहीं कि खुशी भाभी पे क्या गुजरी। इसमें चांद का क्या कसूर यार, वो तो अपने गुमशुदा माजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे कुछ मालूम नहीं। उसकी सोच तो सिर्फ हुमायला तक महदूद हो चुकी है। वैसे अरमान भाई, आपको तो सब हालात का पता था, क्यों रोका आपने उसको, जाने दिया होता। चांद इस घर की रोशनी है, और मैं इस रोशनी को मत्थम नहीं होने दूंगा। मोहब्बत के इकरार के बाद
क्या हुमायला का इस घर में रहना खुशी भाभी के लिए अजियतनाक साबित नहीं होगा? यार क्या हो गया तुझे? देखो खुशी बहुत समझदार लड़की है, वो जानती है कि चांद की याददाश्त आते ही घर के हालात काफी बदल जाएंगे। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा सब। आ जाओ भाई, खुले दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती। ओह माय गॉड, वेलकम वेलकम। ये क्या करामात हैं, इस वक्त सुबह आप मेरे कमरे में तशरीफ लाई हैं और रात के वाकये पर अब जरा भी पशेमान दिखाई तो नहीं दे रही। रात गई बात गई, जो वक्त गुजर गया उसका जिक्र करना टाइम वेस्टिंग। तुम्हें तो बेनियाजी का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अपने शोहर से इतनी लापरवाही तुम्हें तुम्हारे शोहर से दूर करवाएगी। प्लीज, मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपको बताने के लिए आई हूँ कि अब आपको अपने हलके में सियासी सरगर्मियों का आगाज कर देना चाहिए। ये तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या ऑर्डर कर रही हो? जो भी समझना है समझ लीजिए, बस इतना जान ले कि असलम शेख हमारी पार्टी की एकता को अपनी साजिश के किसी जाविये पर तकसीम देखना चाहता है। उसका सियासी तोड़ जोड़ हमारी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट साहिबा, आप किसी भी सियासी बंदे को अपनी मर्जी का मुख्तार नहीं बना सकती। पार्टी का मुफाद मेरी मर्जी है। कोई भी हमारे सियासी प्लेटफॉर्म पर अगर अपनी साजिशों के कंकर फेंकेगा तो उसका जवाब हम पत्थर से देंगे। असलम शेख, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट नवाब वहीदुल्लाह मरहूम का भतीजा हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। वो एक शरीफुल नफ्स इंसान थे, सच्चे पाकिस्तानी और बेहतरीन सियासतदान थे। उनके ना होने से जो एक खला पैदा हो गया उसे मैं पूर नहीं कर सकता। रहबर ना रहे तो राजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुझे नवाब मरहूम के मिशन से बहुत लगाव है और मैंने उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक फैसला किया है, और वो ये है कि मैंने अपनी पार्टी को खैराबाद कह के इंसाफ पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। मैं पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारान और मेंबरान से दरख्वास्त करता हूं कि वो पार्टी के सदर के लिए इलेक्शन की तैयारियां करें। क्योंकि नवाब साहब की खाली कुर्सी पर किसी मजे हुए सियासतदान को बैठना चाहिए। और हां, वो लोग जिन्हें एजाजी अहदे तकसीम किए जा चुके हैं उनका चेक इन बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से अगर किसी ने कोई सवाल मुझसे करना है तो प्लीज कीजिए।
क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? असलम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप सुन ही चुके हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे पार्टी के कुछ मोतबर मेंबरान को वो अपना हम ख्याल बना चुका है। मिली भगत करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। अबा मरहूम की वफात के बाद हम इतने निढाल हो गए कि हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम पार्टी ऑफिस जा सकें। शायद हमारे दुश्मन को इसी मौके की तलाश थी। देखो, तुम पार्टी की एग्जीक्यूटिव अहदेदार हो, ये सब कुछ तो तुम्हें देखना है। सियासत की बसात पे असलम शेख ने जो चाल चली है उसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकती हो। लेकिन मैं ये सब अकेले में नहीं कर सकती, कम से कम मुझे अपनों का साथ चाहिए। भाभी आप घबराइए मत, मैं और जैनब भाभी आपके साथ हैं। जैनब भाभी के ख्यालात से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो, और मैं भी उनके मुँह से अपने बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। मैं घर की बड़ी बहू होने के नाते ना वो मुझे अपने दिल से तस्लीम करती हो ना ही मेरे ओहदे को। देखो खुशी, सियासत में ऊंच नीच तो होती रहती है, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचे क्या कहे किसी की परवाह मत करो। बस ईमानदारी से चाचा जान की सोच का हाथ पकड़ कर फैसले करोगी तो मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। मुझे हार जीत की कोई परवाह नहीं अरमान साहब, मैं तो नवाब साहब की कुर्सी पर उस हकदार को देखना चाहती हूँ जो हमारी पार्टी का सच्चा वफादार हो। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अरमान भाई आप यहाँ? जी वो असलम शेख से मिलना था। जी जी आइए। अरमान भाई आपसे मिलने आए हैं। आइए 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 अरमान साहब आइए, तशरीफ रखिए। राबिया अच्छी सी खुशबूदार चाय बना कर लाओ, अरमान साहब आए। मुझे यकीन था कि नवाब हवेली से कोई पैगाम लेकर यहां जरूर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके हंगामी ऐलान ने सियासी प्लेटफॉर्म पे काफी हलचल मचा दी। मैं भी तो यही चाहता था मिस्टर अरमान। सियासतदान अगर अपने बयानात में लोगों को झटके ना दे तो लोग उसकी सियासत को मुर्दा तसव्वुर करते हैं। उस हवेली में रहने वाले खानदान से आपका खूनी रिश्ता है, कम से कम उन रिश्तों के बारे में कुछ सोच लीजिए। इस सियासी खेल का कमाल यही है मिस्टर अरमान कि लोग अपनों के सरों पे पांव रखकर अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। इंसान इतना बेहिस नहीं होता शेख साहब, ये तो हैवानी अमल है। सियासत की दुनिया में अगर आप इंसानियत तलाश करना चाहेंगे तो कोई कोई दाना ऐसा होगा जिसमें इंसानियत मौजूद होगी, वरना ये तो रोमन एरेना है जिसमें सियासत ताकत और रुपए का बुल जिसे चाहे अपने सींगों पर उठाकर मैदान से बाहर फेंक दे। एनीवेज जैनब और खुशी को आपकी सपोर्ट चाहिए, वो पूरी खुशी के साथ आपको पार्टी में वेलकम करने के लिए तैयार है। चाचा जान की पार्टी में मुझे खुशामदीद कहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और वैसे भी मैं रिश्तेदारों के एहसान उठाने का आदि नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनों से बालातर हो के अपनी सियासी दुकान चिपकाना चाहते हैं। अरे अरमान साहब, सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है,
सियासत के इस खिलवाड़ में तो जी हजूरी करने वालों की नजर भी उसी कुर्सी पर होती है जहां बड़े साफ जी बैठे होते हैं। आप खुली बगावत कर रहे हैं शेख साहब। याद रखिएगा, अगर सियासी जंग छिड़ गई तो अपने और बेगानों का ख्याल जाता रहेगा। वेलकम मिस्टर अरमान, वेलकम। मैं तो उस वक्त का मुंतजर हूं जब पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन का ऐलान होगा, फिर देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। ओके, हम भी उसी दिन का इंतजार करेंगे। तुम भी अरमान। इंसानों की दुनिया में जब जब अपने ही अपने को काट दिया करते हैं तो फिर बेगाने ही काम आया करते हैं। तुम तो बुराई मान गए, चाय तो पीते जाओ। आपकी चाय में वो चाहत नहीं है। हाँ, लेकिन तंग नजरी की शक्कर मौजूद है जो मैं पी नहीं पाऊंगा। आप चाय नहीं पियेंगे? I'm sorry भाभी, असलम शेख साहब ने चाय पीने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आपको अपनों की मदद करनी चाहिए, आप तो लोगों के दिल तोड़ देते हैं। बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है ये। मुझे अखलाक मत सिखाओ राबिया बेगम। अखलाक नाम के परिंदे तो यहां से उड़ गए, अब तो जुगनू भी रातों को जलना बुझना भूल गए। आपकी खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? गुर्बत मोहब्बतों को जन्म देती है अरमान साहब। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। कैसी खुशी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। हुमायरा, तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? नहीं, मैं उन सब लोगों के साथ खाना खाऊंगी जिनके घर मेहमान बन के आई हूं। तुम शायद भूल रही हो, तुम यहां मेरे साथ आई हो। तुम शायद भूल जाना चाहते हो कि तुमने बार बार चीख चीख कर यही कहा है कि तुम इन लोगों को नहीं जानते। क्या हो गया तुम्हें हुमायरा? मैं देख रहा हूं तुम मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी हो। हर वक्त तुम दूसरों के कमरे में रहती हो, क्यों? तुम यही चाहते हो ना कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास इस कमरे में बैठी रहूं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? क्या हुआ है? क्या किया है मैंने? ऐसा बोलो, बताओ मुझे, क्यों मुमकिन नहीं है? तुमने अपनी बीवी और अपने खानदान वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया है, मुझे अपनी महबूबा साबित किया। जरा सोचो, ये बातें सुनकर खुशी के दिल पे क्या गुजरी होगी। कौन खुशी? मैं खुशी को नहीं जानता, कुछ नहीं समझता उसको। और मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं एक मर्द की बीवी होते हुए उससे शादी नहीं कर सकती। तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी,
तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। और क्या क्या तोड़ोगे चांद? ऐसा मत करो, मैं तो खुद टूट चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे तुम्हारे दरमियान कोई दीवार बने। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ तुम्हें जानता। तुम क्यों नहीं समझती हुमायला? क्यों नहीं समझ रही तुम? क्यों नहीं समझ रही? क्या आप भी चांद से मोहब्बत करती हैं? आपकी खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? गुर्बत मोहब्बतों को जन्म देती है अरमान साहब। गुजरे हुए साल का हर दिन इस कदर धुंधला था कि मैं आगे कुछ देख ही नहीं पाई। ये जानते हुए कि चांद का कोई माजी भी होगा, न जाने क्यों मैं उसे चाहने लगी। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना। सुन लीजिए, चांद, खुशी और मैं तीनों बेकसूर हैं। कोई बेवफा नहीं, कोई गुनाहगार नहीं। काश वक्त का कोई वजूद होता तो मैं उसका दामन पकड़कर पूछती कि बताओ गुनाहगार कौन है। दगा तुमने किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? I'm so sorry, महाराज जी। क्या कर रही हो? गिनती कर रही हूं। गिनती? वो क्यों? अगर चांद साहब ना ऐसे बर्तन तोड़ते रहे ना तो एक दिन सब घर वालों को ना केले के पत्तों पे खाने पड़ेंगे। वैसे एक बात तो बताएं कैसर साहब। रंगीली, ये तुम कैसर साहब क्यों कहती हो? ये साहब को साइड पे कर दो, साइड पे। सिर्फ कैसर कैसर। साहब जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सारे घर वाले तो आपको कैसर भाई कहते हैं ना, तो अगर मैं भी आपको कैसर भाई कहूं तो आपको कोई त्रास तो नहीं? नीली, सारे घर वाले तेरे साथ बदतमीजी करते हैं, अगर मैं तुझे ये मार दूं तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? त्रास तो होगा ना साहब जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। छड़ मेरी वीनी ना मरोड़, कच दिया प्लेटां ते न तोड़। ये क्या किया आपने साहब जी? क्या किया? आपने मेरी गिनती बुला दी है मुझे बातों में लगा के। जाए अपना काम करें। नंगीरी, तुम एक मनहूस हो। तुम्हें पता कि मुझे ममानी जान ने चांद भाई को बुलाने के लिए भेजा और मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं यहां सुनने के लिए? कैसर कैसर बाय बाय कैसर भाई। चौबीस, पच्चीस। अब तो तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि चांद यादों की भूल भुलैयों में कहीं खोकर रह गया है। अब तुम्हारी ममता ही उसे सीधा रास्ता दिखा सकती है। मेरी तो दुआएं भी बेअसर हो गई हैं आप, वरना कोई बदनसीब माँ ही होगी जिसका बेटा उसे माँ कहकर ना पुकारता हो।
कैसर ने बताया कि आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई बात करना चाहती हैं मुझसे, कहिए। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? ये तुम नहीं समझोगे चांद, जिस माँ का अपना बेटा आप उसे आंटी कहकर पुकारता हो, इससे बड़ा से तुम और क्या होगा? मैं माफी चाहता हूँ आंटी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये भूल चुके हो कि खुशी तुम्हारी बीवी है, लेकिन सच यही है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। ममानी जान ठीक कह रही हैं चांद भाई, आप किसी गैर लड़की की खातिर अपनी बीवी खुशी की खुशियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्लीज बस कर दीजिए, मैं आप सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझ पे जज्बाती दबाव मत डालिए। आप लोगों की बातों से मुझे वहशत होने लगी है, मुझसे भी बातें बर्दाश्त नहीं होती। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता खुशी का क्या होगा। आप मुसन्निफ हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए वक्त के पन्ने पे बिखरी हुई कहानियां ऐसी होती हैं, जिसे हम लिखना भी चाहें तो कलम शल हो जाता है। जरा सोचिए, आपकी और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी की हर कहानी में किरदारों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी कहानी का बोझ उठाए इस दुनिया में चल रहा है। हर किसी को यही लगता है कि उसके शानों पर रखा हुआ बोझ सबसे भारी है। शायद मैं भी ऐसा ही समझती हूँ। सोचने से कुछ नहीं होता, तकदीर के हाथ जो कुछ जिंदगी की किताब पर लिख देते हैं वही हमारा नसीब हो जाता है। अपने नसीब की रोशनी को मत ठुकराइए, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां से चले जाना चाहती हूं, लेकिन दिल नहीं मानता ना। ये दिल सीने में उल्टे हाथ धड़कता है। कमबख्त किसी को सीधा मशवरा ही नहीं देता, लेकिन क्या करें, दिल की ना माने तो जीना भी कोई जीना होता है। मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप दिल की वकालत कर रही हैं या उसके खिलाफ कुछ कहना चाह रही हैं? मेरी जात वो कुआं है जिसमें मैं खुद भी घिर चुकी हूं, और गहराई से जो आवाज आती है वो पूरी तरह किसी को सुनाई भी नहीं देती। मैं जानती हूं तुम यहां से जाना चाहते हो, लेकिन चांद के सच्चे जज्बे तुम्हारे रास्ते की दीवार बन जाते हैं। जाओ और ये इत्मीनान रखो कि मुझे तुम्हारी जात से कोई तकलीफ नहीं। वाह वाह, पहली बार देख रही हूं कि एक ही मर्द की बीवी और उसकी महबूबा दोनों एक दूसरे के बाल नोचने के बजाय खुश गप्पे मारने में मसरूफ है। इंटरेस्टिंग, लगता है चांद की आड़ में कोई बड़ी साजिश तैयार की जा रही है। चलो हुमायला, बाकी की बातें बाद में करेंगे, चाय पी लेते हैं। अरे
कुछ देर तो रुक जाइए मिसेस चांद। दो बातें हमारी भी सुन लीजिए। माफी चाहती हूँ, मेरे पास फजूल और बेकार बातें सुनने का वक्त नहीं। चलो मैं। हमारा दावा है कि तुम माजी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, कहाँ तक पहुंची? वो कौन लोग हैं जिनका मरना जरूरी हो गया? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। तुम्हारा दावा है कि तुम माजी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त है? हाँ, ये सच है। तो फिर तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते, मेरी फेवर क्यों नहीं करते? देखो चांद, तुम्हारी दोस्ती का हाथ थाम कर मैं इस हवेली में आया था और तुम्हारी दोस्ती की खातिर ही मैं यहां हूं। तो फिर तुम इन घर वालों को समझाओ, वो चाहते हैं कि मैं और खुशी एक ही कमरे में रहें। देखो यार, जब खुशी को तुम्हारे साथ रहने में कोई इतराज नहीं तो तुम्हें यह बात बुरी क्यों लग रही है? तो कैसे दोस्तों, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हें भी घर वालों को भी बता चुका हूं कि मैं हुमायला के अलावा किसी और लड़की को नहीं जानता। देखो, अगर डॉक्टर तुम्हारी याददाश्त वापस ले आए तो तुम खुशी को कैसे फेस करोगे? और याददाश्त जाने के बाद जिसको चाहा उसे कैसे फेस करो? आज ये बताओ तुम मुझे। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। कोई भी फर्जी बात हकीकत के चेहरे पर नकाब नहीं डाल सकती। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी एक भूल ने तुम्हारे अपनों को खून के आंसू रुला दिया। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, और अगर रोना उसका मुकद्दर है तो मैं उसका मुकद्दर नहीं बदल सकता। हाँ, कहाँ तक पहुंची? हाँ, मैं बस पहुंच चुकी हूँ। जल्दी आओ। ओके। मुझे यहाँ बुलाने का कोई खास ही मकसद हो सकता है? दीवारें बातें सुन ले तो फिर दोहराती जरूर है, हवाएं और फिजाएं सुनती हैं
पर बोलती नहीं। बोलो, मुझसे क्या कहना चाहती हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबान काट भी दी जाए तो भी वो अपनी कटी हुई जबान से बेमायने शोर मचाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शारक काटनी पड़ती है। वो कौन लोग हैं जिनका मरना जरूरी हो गया? पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट खुशी। खुशी का मरना तुम्हारे और मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। चांद का खुशी से दूर रहना और हुमायला की तरफ उसका झुकाव गैर मुनासिब है। वो ना मैंने फिल्मों में देखा है कि जब हीरो और हीरोइन की याददाश्त चली जाती है ना, तो उनको पुरानी बातें याद कराई जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये मेरी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पार्टी के बहुत सारे सीनियर मेंबर्स ने मुझसे दरख्वास्त भी की है। माइंड योर टंग खुशी, अपनों से बड़ों का अदब करना सीखो। और यूं भी मुझे सियासत से घिन आती है,